अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक सिंह 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला ख़ान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची डिवीज़न शाहिद मेमन। लियारी टेक्स्ट बुक पब्लिक लाइब्रेरी को मुतबादल जगह फराहम ना करने के ख़िलाफ़ लियारी अवामी महाज की जानिब से लाइब्रेरी के मेन गेट पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का नारा था कि टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी को मुतबादल जगह फराहम की जाए, सिंध हुकूमत तालीम दुश्मनी बंद की जाए, लियारी के तालिब इल्मों पर इल्म आगाही के दरवाज़े बंद ना किए जाएँ। आइए मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त लियारी के इलाके चाकीवाड़े में मौजूद हैं, जहां लियारी अवामी महाज की तरफ से एक एहतजाज किया जा रहा है, जो यहां की लियारी की कदीम जो लाइब्रेरी है मुल्ला फाजिला लाइब्रेरी, और उसको ख़त्म किया जा रहा है आराम आराम से। तो उसकी जगह कोई मुतबादल जगह फराहम नहीं की जा रही। तो आज इस हवाले से लियारी के मकीनों और लियारी अवामी महाज की तरफ से एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। आइए ज़रा उनसे बात करते हैं इस हवाले से। लाइब्रेरी का मसला चल रहा है, इस हवाले से गवर्नमेंट के क्या इकदाम हैं और आपके क्या तहफ़ात हैं? सर, गवर्नमेंट तो बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। हम जो तहरीक चला रहे हैं, हमें कोई ज़ाती तो नहीं, हम तो इज्तमाही सोच रखने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि तालीम को आम करो, इल्म जितना फैलेगा, तालिब इल्म को जितनी आप सहूलतें प्रोवाइड करेंगे, इतना एजुकेशन फलेगा फूलेगा। हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, यहाँ लाइब्रेरी में तुलबा और तालबात आते हैं, मुताला करते हैं, अपने इम्तिहान की तैयारी करते हैं। इस सिलसिले में हमने हुकाम बाला तक बात की है, वहाँ जब गए उन्होंने एक रिटायर बंदे को बिठाया हुआ है। रिटायर बंदे को बिठाकर वो जो उनको माल देता है उसको बिठाए, यार क्या आपके पास पोस्टें गजेटेड बंदे नहीं है कि आपने रिटायर बंदे को बिठाया? अब रिटायर बंदे से क्या बात करेंगे? गवर्नमेंट का एहतजाज के हवाले से आपकी क्या आगे की हिकमत अमली है, ज़रा वाज़ेह करें। ये जो लियारी की तालीम दुश्मनी जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई हुई है, हम इसके खिलाफ़ भरपूर एहतियात करेंगे। हमारा यही कहना है कि जो हमारे अभी इम्तहान आ रहे हैं, बच्चों की जो तालीमी जो मुतासिल हो रही है इस लाइब्रेरी की वजह से, उनके पेपर वगैरह की तैयारी के लिए हम यही मुतालबा करते हैं आला अमलदारों से, हमारे हुक्मरानों से, कि हमें मुतबादल जगह फराहम की जाए। हमारे ये जो आज एहतजाज हो रहा है, अगर इस एहतजाज के मद्देनज़र रखते हुए अगर इस मसले का हल ना निकाला गया तो आपकी आइंदा की क्या राय अमली? अगर मसले का हल नहीं निकाला गया तो हम जो है ना अपने एहतजाज को और मजीद बढ़ाएंगे। हमारे ध्यान का ये है कि हमारे जितने भी लाइब्रेरी लियारी के अंदर पूरा एक एक बंद करते गए, जैसा इकरा लाइब्रेरी था सिंगो लाइन में, वो भी बंद कर दिया गया। जमी अब इसकी बारी आई, अब ये कि हमारे तालीम को जो है, अब तालीम पर हमला किया जा रहा है, हमारे तालीम को जो है पीछे धकेला जा रहा है। जो हमारे पानी बिजली गैस बुनियादी सहूलत ऐसे भी नहीं थे, लेकिन हमारे अब लाइब्रेरी रह गए, जो तालीमी हमारे तालीमी मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं उनको बंद किया जा रहे हैं। लिहाजा हम एहतजाज करेंगे और उनके साथ लियारी अवामी महाज के साथ मिलकर इंशाल्लाह बड़ा एहतजाज करेंगे, मुतालबा करते हैं कम इसके इस जगह मुतबादल जगह फराहम किया जाए। ये कि बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, ये मरकजी लाइब्रेरी लियारी रह चुकी है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, घर में इनकी जगह नहीं है, छोटे छोटे घर होते हैं उनके, तो यहाँ आते पढ़ते थे। हालांकि एक खस्ता हाल लाइब्रेरी था, तो जो वो अभी सोच रहे हैं कि बनाने जा रहे हैं लाइब्रेरी का, हम कहते हैं बनाए इसको लाइब्रेरी, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इसके लिए कोई मुतबादल जगह भी फराहम करें। तो हमारा ये मुतालबा है कि पहले इसके लिए मुतबादल जगह फराहम किया जाए, मुतबादल जगह देंगे तो हम रुक जाएँगे, वरना लियारी अवामी महाज आखिर तक ये लाइब्रेरी को मुतबादल जगह आर्जी जगह जब तक फराहम नहीं करेगी हम जदोजहद जारी रखेंगे। क्योंकि इसके तामीर में पता नहीं 2 साल लगे 4 साल लगे, तो ये जो है ना यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे, और ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं।